नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव ईपीओ रेलवे। जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर एनपीएस से पैसा कैसे निकाले उसके बारे में आप बता दीजिए, तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि एनपीएस से पैसा कैसे निकालते हैं। जो लोग पीएफ से हैं उनके बारे में एचआर में पूरा डिटेल है, वो पीएफ से पैसे कैसे निकालते हो उससे जानें। लेकिन जो लोग एनपीएस हैं या 2004 के बाद जो एनपीएस स्कीम में हैं, वो एनपीएस से अपना पैसा कैसे निकालें अपने ज़रूरत पड़ने पर, उसके लिए मैं आज आप लोगों को ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि npscra.nsdl.co.in पे वेबसाइट पे लॉग इन करना है। आप लोग वेबसाइट देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा फिर लॉग इन पे जाएंगे, सब्सक्राइबर्स एनपीएस रेगुलर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे आपको इस तरह की वीडियो आ गई स्क्रीन, cra-nsdl.com/cra। या तो आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे या तो यहाँ पर जाकर लॉग इन पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, जो भी आपको उचित लगे जैसे भी है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे आपके साइट ओपन हो गई, साइट ओपन होने के बाद आप अपना यूजर आईडी डालेंगे। यूजर आईडी आपकी क्या होगी, जो आपके प्रान नंबर आपका होगा। एक मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिस माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने अकाउंट डिपार्टमेंट के पास। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है फॉर्म आते हैं, जिसे आप पीएफ के लिए फॉर्म भरते थे पहले, उसी तरह से एनपीएस का भी फॉर्म आता है, आप इसी वेबसाइट पे देख लेंगे। पार्शियल विड्रॉल के लिए वो फॉर्म है, उस फॉर्म के माध्यम से आप भरेंगे। भरने के बाद आप जो है अकाउंट डिपार्टमेंट को या हमारे पास जमा कर देंगे, उसके माध्यम से जो प्रक्रिया आप करेंगे वही प्रक्रिया हमारे द्वारा की जाएगी और आपका जो है एनपीएस जो है विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ आप खुद जिस माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको यूजर आईडी चाहिए, जो आपकी क्या होगी, प्रान नंबर होगा, ठीक है। प्रान नंबर सबके पास है, और बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी आज तक किस वेबसाइट के बारे में जाना ही नहीं होगा, उनको यही नहीं पता होगा कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा, कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता होगा कि ये जो है लॉगिन करके कुछ देखा भी जा सकता है, ठीक। अब देखिए, ये आपने वेबसाइट है नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, इसको लोग न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं। ये वेबसाइट है नेशनल पेंशन सिस्टम की, एनएसडीएल की। आप इसको जैसे लॉगिन करेंगे अपनी आईडी, ठीक है, आप अपनी आईडी लॉगिन करें, इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसमें देख सकते हैं, ठीक। सबसे पहले आप क्या करिए कि अपना पर्सनल डिटेल्स है इसको आप सही करवा लीजिए। जब आप पर्सनल डिटेल जब तक आप सही नहीं करेंगे तब तक आपके लिए दिक्कत पड़ेगी। आप अपना लॉगिन करके यहाँ सही करवा लीजिए, या S2 फॉर्म भर के आप जो है जमा कर देंगे हमारे यहाँ, तो हम लोग उसको सही करवा देंगे। जब तक सही नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम आगे नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आपको समझना है कि आपको पर्सनल डिटेल पूरा हो और तभी आप जो है आगे काम कर सकते हैं। ये कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। एनपीएस में आपको यह समझना है कि एनपीएस से जो आप पैसा निकालेंगे, एनपीएस जो आप पैसा निकालेंगे, आपकी जो राशि है, मान लीजिए आपने 100 रुपये आपके खाते में है ब्याज सहित, और उसमें आपके 40 रुपये आपके हैं, 50 रुपये सरकार के हैं और 10 रुपये ब्याज हैं, तो आपका जो 40 रुपये है उस 40 रुपये का 25% मैक्सिमम आप लाइफ टाइम में निकाल सकते हैं। 25% आपके अपना डिपॉजिट जो है उसका, मान लीजिए आप, वही मैंने बोला कि 40 रुपये आपके पास जमा है, 100 रुपये में आपने 25% निकाल लिया 10 रुपये, और अगली बार जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको मान लीजिए फिर आपने 10 रुपये जमा कर दिया है, तो उस 10 रुपये का 25% ही आप निकाल पाएंगे। मतलब पूरा आप मान लीजिए पूरे लाइफ टाइम आपने 1 करोड़ रुपये जमा किया, उस करोड़
एक करोड़ का आप 25% मैक्सिमम 25 लाख ही निकाल सकते हैं, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, वो उसकी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने 25% निकाल लिया, 75% बचा, 75% का फिर 25% निकाल लिया, 50%, वो चीज नहीं हो सकती है। ये पूरे सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आप अपनी मर्जी से, जैसे कि आप लोग एचआरएमएस में आपने देखा कि एचआरएमएस में जैसे आप फीड करते हैं कि आपको पैसा निकालना है तो तुरंत बता देगा आपके मैक्सिमम एलिजिबिलिटी इतनी है। उसी तरह से एनपीएस में भी सेम यही प्रक्रिया है, जिसमें आपने लॉगिन किया था, आप देख लीजिए, दोबारा भी मैं लॉगिन कर देता हूं क्योंकि ये बार बार हो सकता है इंटरनेट। आप लोग लॉगिन कर ही लेते होंगे, जिनको नहीं पता है वो समझ जाएं, ठीक है। ये आपको अपना पर्सनल डिटेल अपडेट करना पड़ेगा, ये आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, अपडेट पैन अकाउंट अपलोड करना है, नॉमिनी डिटेल अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें आप जो है चेंज कर सकते हैं। और आप लोग, मेरा खुद अपडेट नहीं है क्योंकि पहले का था, लेकिन मैं आप लोगों से, जैसे मान लीजिए बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल अपडेट करना जरूरी है क्योंकि उसके बिना आपका पैसा ले ही नहीं सकते हैं। ये देखिए पैन प्राण, ये आपका प्राण नंबर है, टीयर वन अपडेट बैंक डिटेल में गया मैं। चाहे आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, ये आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, या आप भरें या हम भरें, बैंक डिटेल को अपडेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप पूरा डिटेल फीड कर देंगे, आपका जितना जैसे भी है, उसके अलावा कैंसिल चेक, पासबुक, बैंक सर्टिफिकेट, मतलब मुक्ता हम लोग कैंसिल चेक पे विश्वास करते हैं, कैंसिल चेक ही इसमें फीड की जाती है। अभी बीच बीच में ये आ गया है बैंक पासबुक का, लेकिन हो सकता है इसमें दिक्कत पड़ जाती है, तो आप लोग कैंसिल चेक है इसको अपलोड करके सबमिट करेंगे तो फिर आपका डाटा जो है अपडेट हो जाएगा, जो बैंक डिटेल अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही आप पैसे के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अपडेट किया मैंने, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ये जाएगा हमारे अगले स्टेज पे जाएगा, वहाँ से कंफर्म होगा। मतलब आप डायरेक्ट नहीं कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट, जैसे चार्मिस में आपने देखा कि आपको एक चीज़ चेंज करना है तो जैसे आप रिक्वेस्ट फीड करते थे वो आगे डीलिंग क्लर्क के पास जाता था, उसी तरह से इसमें भी है, आप जो भी फीड करेंगे वो डायरेक्ट PAO मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे जाएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तीन आपके पास रहते हैं, नोडल प्रिंसिपल AO मतलब जो आपका हेडक्वार्टर में फंड CO उसमें है, और PAO जो आपके DFM साहब हैं, और DDO जो आपके सैलरी जहाँ चार्ज होती है उसका नाम होता है DDO, चाहे सीनियर DPO हो या सीनियर DN, ठीक है। कहने मतलब ये सारी चीज़ें आपकी हैं, उसके अलावा आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद चेक कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। करने के बाद आप यहाँ भी जाएंगे, पार्शली विड्रॉ, देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे दे रहा है, इस स्कीम या पूरा जो है डिटेल चेक कर सकते हैं। विड्रॉ पे जाएंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे पार्शली विड्रॉ फ्रॉम टीयर वन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास स्क्रीन आ जाएगी कि आपके पास कितना पैसा जमा है और उसमें कितना पैसा निकाल रहे हैं, किस रीजन से निकाल रहे हैं, कितना आप पैसा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें फीड है सॉफ्टवेयर में, आपका पूरा ऑनलाइन डाटा है, तो आप जब वो आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप उसका प्रिंटआउट निकाल के आप हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को भेज देंगे फॉरवर्ड करवा के, या मैनुअल आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे पार्शली विड्रॉ का, उसको फीड करके, और बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो उसके लिए चेक, कैंसिल चेकबुक या और जो भी डाटा है उसमें लगेगी वो आप बैंक पासबुक, चेकबुक और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म लगा के आप सबमिट कर देंगे, तो उसके माध्यम से भी यहाँ पर जो प्रक्रिया आप करेंगे वही प्रक्रिया यहाँ पे होके उस हिसाब से हो जाएगा, और ज़्यादा इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप लोगों को उसमें लगता था NPS में, HRMS में लगता है, सॉरी PF में, उसी तरह से इसमें भी बहुत ही कम समय में आपका पैसा
आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वेबसाइट आपको जो मैं बता रहा हूँ, इस वेबसाइट में आप लॉगिन करिए, आपके पास कितना पैसा जमा है, आपका पैसा किस किस उस पर खर्च हो रहा है, जहाँ लिखा है चेंज स्कीम प्रेफरेंस, आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, आपका कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितनी एनएवी है, इसके बारे में आप पूरा डिटेल जान सकते हैं। कहने मतलब आप अपना खुद जानिए, खुद समझिए, और आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है आप अपना स्विच भी कर सकते हैं कुछ कंडीशनों में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्व का है। आप इस माध्यम से आप अपने जो एनपीएस की राशि है उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी चाहिए, देखना है, तो जैसे मैंने आपको बताया npscra.nsdl.co.in, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और इस वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, फार्म हैं और सर्कुलर हैं, आप उसको डाउनलोड करिए, अध्ययन करिए, और जो भी शंकाएँ हो मेरे तो न समझ में आई हो आपको बताने पे, आप इस यहाँ से भी जान सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ कोई शंका है और आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसके माध्यम से भी आपको इस वेबसाइट से का अध्ययन करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।